अमरोहा इलाके के शहरी इलाकों में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता से इनका मिजाज जानने के लिए इन्हीं के बीच पहुँचे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, तो चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वो अपना वोट करेंगे। जी अभी तो आसिम रजा का मूड है भाजपा। वजह ये है कि भाजपा में तीन बार दो बार महीने में गल्ला मिल जाए, गरीब आदमी सभा में तीन महीने में एक बार मिलता है, इसलिए अब की बार भाजपा होगी। भाजपा के सांसद जी बहुत तो अच्छा है, कैंडिडेट की वजह से ही वोट डालूंगा जी। कमल पे देंगे, कमल के फूल पे, कमल का फूल जीता हुआ। कमल का फूल क्यों? कमल का फूल जीता, हर साल जीतता रहेगा, जिनकी फर्स्ट जीतता रहेगा। काम किया है कुछ कमल के फूल ने? नाच फ्री बांट लिया, बिल माफ कर रहा है 5 साल का साइकिल का। क्यों काम किया है समाजवादी? काम तो किया, काम नहीं किया, सब काम किया था, क्या काम किया था? भाजपा नहीं कर रही, कर रही वही कर रही। आपकी पसंद? साइकिल है। सांसद होना चाहिए घनश्याम लोधी। क्यों? बीजेपी से। आसिम रजा नहीं ना, वो आते के आगे देखते हैं तो फिर होंगे क्या? घनश्याम लोधी हाँ आते हैं वो तो जी। सपा सपा आएगी जो हम जिसको मतलब जो हमारे लिए काम करेगी हम उसको वोट देंगे। काम किया सपा ने? जी काम किया है हमारे हर वक्त में, रामपुर को इतना अच्छा बना दिया, अब उनकी सरकार नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है कि कोई काम नहीं हो पाया। जब देखिए सरकार ही नहीं तो काम क्या होगा जब सरकार। मैडम हमने आज तक समाजवादी को ही वोट दिया है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, इस बार हमारा मन जो है चेंज है। उम्मीद है भाजपा आएगी तो काम? हाँ बिल्कुल, पूरी उम्मीद है जब उनकी पूरी सरकार है। सांसद भी भाजपा का ही? भाजपा का ही होना चाहिए, जब भी तो तभी तो विकास होगा, यहाँ आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ। आसिम राजा को देंगे, समाजवादी पार्टी से नए चाह रहे हैं मैडम, आजम खान साहब से हटके थोड़े नए चाह रहे हैं, थोड़ा अच्छा काम करेंगे, तो ये उम्मीद है कि आसिम राजा आपको वोट दिए। घनश्याम सिंह उन्हें नहीं देंगे, बीजेपी का कुछ रामपुर में नहीं है, हो सकता है उधर से यहाँ कुछ विकास उनका नहीं है, वो स्टेट में है उन्हें यहाँ भी करना चाहिए, विधानसभा में थोड़ा सा कुछ करना चाहिए या फिर ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए, करते नहीं है कुछ वैसा, वो समाजवादी है वही करती है वही करती है। भाजपा क्योंकि हमारे यहाँ हर साल भाजपा ने काम किया है और भाजपा की सरकार में हमें इतना फायदा, गरीबों को राशन भी दिया है, उसके बाद किसानों को पैसा भी दिया है, जिसमें हमारे यहाँ कोई चोरी डकैती किसी रंग की कोई बलवा तक नहीं है यहाँ, और सबके काम होते हैं। जो आजम खान ने खड़ा करा जिसे भी वो जीते हैं। आसिम राजा? हाँ आसिम राजा। बीजेपी नहीं? बीजेपी को भी आज जाते हैं वोट, ये थोड़ी नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं जिसके। आपका वोट किस? हमारा तो आसिम राजा को जाएगा। क्या कौन सा आंसर? संसद वही बनेंगे आजम खान से जो खड़ा करा हूँ। आसिम राजा? आसिम राजा। क्यों भाजपा नहीं? उन्हें भी मिला मरिया सिक्का उन्हीं के चल रहा है आजम खान का। हाँ आपकी पसंद? उन्हीं की, जो उनकी पसंद है वो हमारी है। काम काज हुआ है यहाँ पे? काम काज तो वो खुद जेल में थे, क्या काम काज होता है? सपा के विधायक तो है, विधायक जी आए थे कुछ करते? ना वो तो नहीं आए, ये हमने तय तो कुछ नहीं करा फिलहाल, क्योंकि इलेक्शन जो हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है और कम टाइम के लिए हो रहा है। काम किसने किया आपके यहाँ उसके आधार पे करेंगे ना? यहाँ तो काम क्या होता, वो अंदर पड़ा था जीतने के बाद तो काम तो हुआ ही नहीं। सांसद अब किसको चाहते हैं, भाजपा का सांसद होना चाहिए सपा का? अब ये तो टाइम बताएगा, अभी हमने कुछ तय नहीं करा, तुम्हें नहीं बताएंगे वोट के बारे में, वोट के बारे में नहीं बताएंगे, 23 को जहाँ भी मॉल लगेगी बिल्कुल सही लगाएंगे, सही जगह पे, बाकी बताएंगे नहीं किसको देना। काम कुछ नहीं हुआ हमारे जिले में, काम नहीं, हमारे यहाँ तो विधायक बने हुए उन्होंने 5 साल से कोई काम नहीं कराया, और ना आप वो जीत गए ना आप कहीं निकले हो। जीतना जिसकी सरकार है वो जीतना चाहिए, घनश्याम जीतना चाहिए, किसानों के बीच का आदमी है, हमारे पड़ोस का आदमी है घनश्याम सिंह लोधी, पहले भी MLC रह चुका, अपने लोगों की सुनता है बातचीत।
जमरुआ शहरी क्षेत्र भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। नसीर अहमद खान यहाँ से मौजूदा वक्त में विधायक है, इससे पहले भी वही यहाँ से जीते थे। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन मुद्दे भी यहाँ पर कई सारे हैं। शिक्षा की परेशानी है, शिक्षा लोगों को मिल नहीं पाती क्योंकि स्कूल नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं मुहाल है, यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता भी अब अपना मन बना रही है कि इस बार उन्हें किसके लिए वोट देना है और किन मुद्दों को ध्यान में रखना है। सांसद कौन बनेगा? सांसद अगर पिछली बार की तरह आजम खान साहब खड़े होते तो पूरे पूरे चांसेस थे, लेकिन इस बार सीट खतरे में है। घनश्याम सिंह लोधी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है उनकी, पूरी ऑल इंडिया और स्टेटों में भी ज़्यादातर उन्हीं की है, इसलिए विकास होगा, विकास की वजह से उन्हीं को होना चाहिए। सांसद भी भाजपा का ही होना? जी जी बिल्कुल। विधायक तो सभा, विधायक सभा के हैं तो काम तो हो नहीं पाएगा उनसे, अब सांसद की वजह से काम हो जाए, क्योंकि विधायक अब नसीर खान पहले भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं, पिछली बार भी नहीं आए थे वो, इस बार भी केवल एक दो बार आए, अब पूरे 5 साल नहीं आएंगे। चमरुआ में शहरी इलाके की जनता क्या सोच रही है, ये तो हमने इनसे जाना, इनके मुद्दों को समझने की कोशिश की और ये भी समझा कि यहाँ की जनता अपना मन बना चुकी है कि किन मुद्दों पर इस बार यहाँ की जनता को वोट देना है। आजमगढ़ का मूड जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं मुबारकपुर ग्रामीण क्षेत्र में। ये एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ की जनता इस चुनाव के लिए क्या मूड बना रही है, चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं। किसको चुन रहे हैं इस बार? भाई निरहुआ चुन रहे हैं। बीजेपी को चुन रहे हैं? निरहुआ क्यों? एक बढ़िया काम बीजेपी करती है, उसका हर एक काम बढ़िया लगता है। अच्छा, तो क्या कराए निरहुआ जीते तो आपके क्षेत्र में, क्या कराए निरहुआ जीतेगा तो कराएगा ही कुछ। क्या अभी तो क्या चाहिए, हम लोगों का आवास वास नहीं मिला है, नाली उली नहीं है पानी भरने के लिए। बस मोदी को नाम कर देंगे योगी को, निरहुआ को। जी जी, पार्टी का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ तो, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, मगर सब उसी में नहीं हुए, समाजवादी है। काम कराया था समाजवादी ने? तो क्या काम कराया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई। तो क्या चाहते हैं, निरहुआ जीते तो क्या कराए? भाजपा की सरकार जिंदगी भर रहे निरहुआ को, जितने सारे निरहुआ। क्या उम्मीद है? अच्छा उम्मीद है। क्या कराए? हमारे लिए बहुत, हमारे लिए योगी बाबा और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विकास किया है, और वो अगर उनकी सरकार रहेगी तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है और सबके लिए भी अच्छा है और विकास भी अच्छा की है। हम कहते हैं महिला अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ समाजवादी पार्टी ने कराया। वो कहने कुछ होता नहीं है, वो ने आदमी जनता है सब कुछ कहता है, लेकिन कहने से क्या, हमें हम देख रहे हैं कौन विकास किया कौन विकास नहीं किया है। सांसद जी से वही सड़क वड़क सही कर दें, और क्या चाहिए? विकास क्या है, विकास रोड वोड बने हुए हैं थोड़ा ठीक ठाक, बाकी आवास आवास का कोई ऐसा चांस नहीं है, बाकी पास पड़ोस से मिले हमें तो नहीं मिले हैं, ना आवास के बारे में हमें जानकारी। कहना चाहते हैं जो आप प्रत्याशी हैं उनसे, अगर जीते तो क्या करें आप लोगों के? यही कहेंगे भाई, अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, विकास होना चाहिए अपने गाँव में। किसी खम्भे पर लाइट नहीं है, हम रास्ते में चलते जी तो कहते हैं कि 18-19 घंटे लाइट कहीं नहीं, कुछ नहीं मिल रही है, अभी लाइट भी नहीं है घर में, इस टाइम भी लाइट नहीं है, 6 घंटे मिलती है टोटल, रात में मिल जाती है 3-4 घंटे 5 घंटे, दिन में भी मिल जाता है 1-2 घंटे, यही मिलता है। मुबारकपुर ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा उद्योग खत्म होने की कगार पर है, लोगों की मांग है कि इसे लेकर सरकार कुछ करे, इनके जो नेता हैं वो इस पर कोई आश्वासन दे। इसके अलावा बिजली की सुचारू सप्लाई भी इनकी बड़ी मांगों में से एक है। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सपा और बसपा का ही यहाँ वर्चस्व रहा है, गुड्डू जमाली लंबे समय तक यहाँ विधायक रहे हैं। इसके अलावा लोगों की और क्या मांग है वोटिंग पर जाने से पहले, आइए इन्हीं के बीच एक बार चलते हैं और जानते हैं। ठीक है, जो होगा सामने देखा जाएगा। अभी तक कुछ मूड
नहीं बनाया किस पार्टी को किस प्रत्याशी को चुनेंगे? अभी तो मूड वही है, परिवार में रोटी कम हो गया है, उसके 10 रुपया कमाने के चक्कर में है। अभी मूड क्या है, वक्त आने पर ऐसा देखा जाएगा। सरकार और नेता तो कहते हैं कि आपको सस्ती थाली देते हैं, सब कुछ सस्ता करते हैं आपके लिए। वो कन्फर्म है, वो तो ठीक है। रोजगार मिल रहा है? क्या रोजगार मिल रहा है, कोई है रोजी रोटी, कोई कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। बीएसपी को हाँ, यहाँ गुड्डू जमाली ने कुछ मदद की है आप लोग? नहीं कुछ नहीं किए। कैसे चुना आपने गुड्डू जमाली को हाथी को वोट देने के? हम लोग का भी कुछ मिला नहीं, ना आवास ना कुछ, तो हम लोग नाराजगी है बीजेपी। हाँ बसपा आती है, गुड्डू जमाली बनते हैं सांसद, तो क्या बात आपकी रखे और क्या करे आपके लिए? हमको चाहिए काम बस, रोजगार। रोजगार हम लोग काम मजदूर आदमी हम लोग हैं। हाँ बस वही के लिए कुछ करें। हाँ हम लोग के लिए कुछ करें बस। हमारे समझ में तो ये है कि पशु ज्यादा परेशान कर रखे हैं पहले इलाके में, आवारा पशु। आवारा पशुओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब कहा था कि 10 मार्च का इंतजार है, उसके बाद देखिए फॉर्मूला निकाल लिया है। नहीं हुआ है जी, अभी कुछ नहीं, घूम ही रहा है, बहुत बर्बाद हो रहा, खेत हमारे बर्बाद हो रहे हैं जी। इसका मोदी जी करके गए पूरा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं पूरा हो रहा, पशु आवारा बहुत घूम रहे हैं, खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, हम इससे बहुत ज्यादा परेशान है। सांसद बनते हैं वो सवाल के रूप में संसद में उठाएं इस बात को जरूर उठाएं जी। और थोड़ा नाली गोली का भी समस्या अपने यहाँ है थोड़ा। हाँ वो भी है। अभी प्रत्याशी आपके क्षेत्र में आए हैं, निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, गुड्डू जमाली, कोई आया है? अभी तो नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? कहेंगे क्या उनसे, वही कहेंगे भाई ठीक है, और क्या कहेंगे, ठीक है भाई देंगे वोट आपको, सबकी लेंगे करेंगे। हाँ अपने मन करेंगे। हाँ गाँव में कोई जो है सरकारी इंटर कॉलेज नहीं जिससे बच्चों की शिक्षा जो है गांव पर मिल जाए, यहाँ प्राइमरी जूनियर तक विद्यालय है, बच्चों को जो है बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, आज की डेट में बच्चियाँ जो सुरक्षित जो है शहर तक नहीं जा पाती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव में जो है इंटर कॉलेज तक की व्यवस्था ताकि बच्चियाँ सुरक्षित अपने गाँव में पढ़ें। मैं सबसे पहले यहाँ कहना चाहूँगा यहाँ के लिए सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मुद्दे क्या हैं, जो भी सरकारें आती हैं सेवा, जो कुछ आजमगढ़ जिले में जो कुछ काम हुआ है समाजवादी पार्टी में हुआ है, और मतलब ये सरकार दूसरी बार आई है, इससे पहले इन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया है, इस बार भी अभी कुछ देखा नहीं जा रहा है जी। समाजवादी पार्टी ने हमारे जो है ज़िले को एयरपोर्ट दिया और महिला हॉस्पिटल दिया, चक्रपानपुर हॉस्पिटल दिया, तमाम रोड उसकी सरकार में बने हुए हैं। ये सरकार अब सिर्फ अपना वो लगा दी है कि हमने ये काम किया कराया है, अगर जो कुछ काम हुआ है वो समाजवादी सरकार ने हुआ। प्रचार ज़्यादा किया इस सरकार ने, काम कम किया है, अब आती है अगर दोबारा से सांसद समाजवादी पार्टी के बनते हैं तो क्या करें, क्या काम अभी बचा हुआ है? देखिए उनको जो काम बचा होगा वो कराएंगे, लेकिन जो कुछ अगर आजमगढ़ ज़िले में जो कुछ काम हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है, अगर वोट का हक है तो उसी का है। हाँ का हक है, ये दूसरी बात, ये सरकार आई ना आजमगढ़ को इन्होंने क्या दिया, क्या बनाया हक, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया आजमगढ़। तो मुबारकपुर ग्रामीण क्षेत्र की जनता क्या मूड बना रही है ये तो आपने जान लिया। तो 23 को लोकसभा उपचुनाव है जहां रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। आपने रामपुर के चमरोआ कस्बे में जनता का मूड जाना, साथ ही आजमगढ़ की मुबारकपुर में ग्रामीण इलाके में मतदाताओं का मूड हमने आपको बता दिया, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं ये भी जानना जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं रामपुर के चमरोआ कस्बे में आखिर मुद्दे क्या हैं। यहाँ सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड ठीक है, बात अगर क्राइम कंट्रोल की करें तो अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड सही लग रहा है। आजम खां का फैक्टर यहाँ काफी बड़ा है। इसके अलावा अब आपको आजमगढ़ के मुबारकपुर ग्रामीण इलाके लिए चलते हैं और यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ बिजली की समस्या को लेकर लोगों का मूड बटा हुआ है, कुछ का मूड अच्छा है, कुछ का मूड खराब है। सरकारी योजनाओं पर लोगों का मूड ठीक लग रहा है। इसके अलावा आवारा पशुओं को लेकर लोगों का मूड गांव में ठीक नहीं लग रहा है। तो हमने आपको वो मुद्दे बताए जिन्हें लेकर लोकसभा उपचुनाव में जनता वोट डालने वाली है।
अब कुछ ही घंटे मात्र बाकी हैं, अब कमान जनता के हाथ में होगी। आजमगढ़ में किसका विजयी परचम लहराएगा और रामपुर में जो सियासत है उसका बाहुबली कौन कहलाएगा, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। 23 तारीख को मतदान है, लिहाजा मंगलवार की शाम प्रचार थम जाएगा, इसलिए लोगों के मूड को टटोलने वाले इस खास शो का सफर यहीं तक। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।